ओशो के सपनों की ओशो तारा। सभी संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी एक ही बात की तरफ इशारा करती है। सबके अपने कहने के ढंग अलग होंगे, उपमाएं अलग होंगी। अलग अलग भाषा वाले क्षेत्रों में संत पैदा हुए, किंतु आश्चर्य की बात, चाहे वो पंजाब में हुए हों या बिहार में या दक्षिण भारत में या चीन में कि जापान में कि यूनान में, वे सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। माँ कंचन ने जो सवाल पूछा है, इसकी गहराई को पकड़ना, अर्जुन देव जी कहते हैं कीर्तन निर्मूलक हीरा। एक एक शब्द को थोड़ा समझना। सामान्यतः भजन कीर्तन से हम जो अर्थ निकालते हैं वह कीर्तन नहीं, यहाँ किसी और कीर्तन की बात हो रही है। ऐसा कीर्तन जो निर्मूलक है, जिसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। बाहर के जो भजन कीर्तन हैं इनका तो मूल्य है, भजन की सीडी और कैसेट आप बाजार में खरीद सकते हैं, 50 रुपये में कि 100 रुपये में मिलती होगी। किसी बड़े भजन गायक को आप बुला सकते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा होगी, 50,000 कि 1,00,000 रुपया लेगा घंटा भर कीर्तन गाने का, लेकिन कीमत तो उसकी हो गई तय। संत जिस कीर्तन की बात कर रहे हैं, कीर्तन निर्मूलक, उसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है वह। ऐसा कौन सा कीर्तन है? और आगे कहते हैं हीरा, कीर्तन निर्मूलक हीरा। हीरा प्रतीक है इस परिवर्तनशील जगत में, शाश्वतता का प्रतीक। दुनिया में सब चीजें बदल जाती हैं, हीरा सर्वाधिक लंबे समय टिकता है। अगर दुनिया के सभी पदार्थों में शाश्वत और सनातन की उपमा देनी हो तो हीरा से देनी होगी। हीरा खराब नहीं होता, और अन्य धातुएं भी खराब हो जाती हैं समय के साथ, पुरानी पड़ जाती हैं। हीरा ज्यों का त्यों बना रहता, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल में भी ज्यों का त्यों रहता। इस बदलते हुए संसार में हीरा प्रतीक है ना बदलते हुए शाश्वत सत्य का। कविता के रूप में, उपमा के रूप में लेना, कीर्तन निर्मूलक हीरा। उस कीर्तन की बात कर रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, और जो हीरे के समान है, अर्थात जो शाश्वत है, क्षणभंगुर नहीं। हम बाहर के जिन्हें भजन कीर्तन कहते हैं, वे तो शुरू होंगे और समाप्त हो जाएंगे, वे शाश्वत तो नहीं हो सकते। अभी अभी दो मित्रों ने गीत सुनाए, बड़े प्यारी आवाज में, मीठी आवाज में, किंतु वह गीत शुरू हुआ और फिर खत्म भी हो गया, वह शाश्वत तो नहीं हो सकता। मनुष्य कुछ भी गाएगा, कुछ भी कहेगा। मैंने प्रवचन शुरू किया, ये प्रवचन सदा तो नहीं चलेगा, घंटे भर में कि 1.5 घंटे में मेरा गला थक जाएगा, मुझे बोलना बंद करना पड़ेगा, ये हमेशा नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कीर्तन है जो शाश्वत और सनातन है? उस तरफ इशारा है, कीर्तन निर्मूलक हीरा। और आगे उसकी व्याख्या करते हैं अर्जुन देव जी, आनंद गुणी गहीरा। वह कीर्तन ऐसा है जिसमें आनंद का गुण है और गहराई है, गहीरा। हम बाहर के जिन भजन कीर्तन को जानते हैं उनमें आनंद का तत्व नहीं है। मनोरंजन हो सकता है, सुख हो सकता है, लेकिन याद रखना,
सुख भी क्षणभंगुर होता है और थोड़ी देर ज्यादा चले तो वह दुख में परिवर्तित हो जाता है। समझो आपको लता मंगेशकर की आवाज बहुत अच्छी लगती है, आप जिंदगी भर से तरसते रहे हो कि काश लता मंगेशकर को कभी आमने सामने सुने और ऐसा संयोग बन जाए कि फरीदकोट में लता मंगेशकर का आगमन हो और आप बड़े उत्सुकतावत संगीत सुनने पहुंच जाएं, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा, फिर धीरे धीरे आप घड़ी देखने लगेंगे कि अब खत्म कब होगा। शुरुआत में जो चीज अच्छी लगी थी, सुखदाई लगी थी, धीरे धीरे वही उबाऊ लगने लगेगी। कितनी ही मीठी आवाज हो किसी गायक की, किसी कीर्तनकार की, किसी रागी की, एक हद है सुनने की। अनूप जलोटा कितना ही प्यारा भजन गाते हो, सुन के आप झूम उठें, मगर एक लिमिट है। अगर वो गाते ही जाएं गाते ही जाएं, धीरे धीरे लोग उठ के खिसकने लगेंगे। और अगर बाहर दो चार पहलवान खड़े हों हाथ में पिस्तौल लिए कि खबरदार जो उठ के गया गोली मार देंगे, सुनना ही पड़ेगा, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जिसको सुनने के लिए आप सालों साल से तरस रहे थे, उसको आप चार घंटे भी सुन नहीं पाएंगे। जो बहुत सुखदाई लग रहा था आरंभ में, अंत में वही दुखदाई साबित हो जाएगा। तो बाहर का भजन कीर्तन मनोरंजन हो सकता है, सुखदाई हो सकता है, उसमें एक प्रकार का नशा हो सकता है। जब हम कोई चीज सुनते हैं, हम अपनी चिंताओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, एक प्रकार का नशा छा जाता है। वो नशा किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है, वो फिल्मी गीत सुन के भी प्राप्त हो सकता है, धार्मिक भजन सुन के भी प्राप्त हो सकता है, वो टीवी सीरियल देख के भी प्राप्त हो सकता है, वो संगीत नृत्य का कलाकारी का कोई प्रोग्राम देख कर भी हो सकता है। उस सुनने में क्या होता है, जितनी देर आप टीवी देख रहे हैं या कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं कि कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं कि किसी साधु का प्रवचन सुन रहे हैं, उतनी देर के लिए आप अपनी वास्तविक जिंदगी से डिसोसिएटेड हो गए। घर में, परिवार में, समाज में जो परेशानी थी, थोड़ी देर के लिए आप भूल गए। समझो कल स्कूल में बच्चे की फीस जमा करनी थी और आपके पास पैसे नहीं हैं और इस बात की चिंता थी कि कैसे फीस का इंतजाम करें, पत्नी बीमार थी, इलाज नहीं हो पा रहा, कोई दवाई काम नहीं कर रही, मन में चिंता थी। जब तक आप टाकीज में बैठे फिल्म देख रहे हैं, दो ढाई घंटे के लिए पत्नी और उसकी बीमारी मन से गायब हो गई, उस कहानी में आप उलझ गए। एक झूठी कहानी, काल्पनिक कहानी, वो आपके लिए सच हो गई, और जो वास्तविक पत्नी है और उसकी जो वास्तविक बीमारी है, उसका विस्मरण हो गया। बच्चे को कल स्कूल जाना है और उसकी फीस जमा होनी है, ये वास्तव में समस्या है, थोड़ी देर के लिए आप भूल गए। फिल्म देखने से समस्याओं का हल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक प्रकार का नशा छा गया, वास्तविक समस्याओं से एक दूरी निर्मित हो गई, उनकी याद नहीं रही। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई आदमी शराब पी के अपने दुखों को भूल जाता है। सारी दुनिया में शराब का इतना आकर्षण है, क्यों? क्योंकि लोग दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। शराब से समस्या तो हल नहीं होती, लेकिन चार छह घंटे के लिए भूल तो गए, कम से कम आज की रात तो चैन से सो गए, अब देखेंगे कल सुबह जो होगा सो होगा। अगर नहीं पिएंगे शराब तो रात
चैन से सोना मुश्किल हो जाएगा। सारी दुनिया में ड्रग्स का, मादक द्रव्यों का इतना प्रभाव है और बढ़ता ही चला जाता है। जैसे जैसे आदमी ज़्यादा चिंतित, ज़्यादा व्यथित, ज़्यादा परेशान होता जाता है, वैसे ही वैसे शराब और मादक द्रव्य प्रभावी होते चले जाएंगे। हम भांति भांति से वास्तविकता के प्रति बेहोश होने का उपाय करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है, धर्म अफीम का नशा है। उसकी बात से मैं 99% राजी हूँ। हम जिन्हें धर्म कहते हैं, जिन्हें हम पूजा पाठ कहते हैं, जिन्हें हम भजन कीर्तन कहते हैं, जिन्हें हम धार्मिक क्रियाकांड कहते हैं, वे सब एक प्रकार के नॉन केमिकल इंटॉक्सिकेंट हैं, गैर रासायनिक मादक द्रव्य। चाहे आप किसी साधु के प्रवचन सुन रहे हो, कि हरि कीर्तन कर रहे हो, कि पूजा पाठ कर रहे हो, कि गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए हो, कि किसी चर्च में भाषण सुन रहे हो पादरी का, कि गीता का पाठ करने में मगन हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप एक जासूसी उपन्यास पढ़ रहे हैं कि गीता का पाठ पढ़ रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आप वास्तविकता को भूलने का उपाय कर रहे हैं। आप फिल्मी गीत गुनगुना रहे कि धार्मिक भजन, परिणाम दोनों का एक है। उतनी देर के लिए आप अपने जीवन की व्यथा का विस्मरण कर जाते हैं। निश्चित रूप से एक प्रकार की रिलीफ मिलती है। वो दुखी आदमी के लिए उतनी रिलीफ भी पर्याप्त है। अर्जुन देव जी किसी और कीर्तन की बात कर रहे हैं, आनंद गुणी गहीरा, जिसमें आनंद का गुण हो। हम जिसको सुख कहते हैं वह आनंद नहीं है, वह केवल दुख का विस्मरण है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लेना। जिस जिस चीज को हम कहते हैं सुखदाई, जरा गौर से टटोलना, विश्लेषण करना, वह केवल दुख का विस्मरण है। आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए, आप कहते हो 4 दिन हम वहां रहे, बड़ा मजा आया, बड़ा सुख मिला, क्योंकि 4 दिन के लिए आप अपने घर परिवार की चिंता फिक्र, दुकान और ऑफिस इत्यादि के बारे में भूल गए थे। लेकिन फिर वापस उसी घर में आना होगा, पुनः उसी दुकान पर जाना होगा, फिर ऑफिस में काम करना होगा, फिर वही खींचा तानी है, वही बॉस है डांटने डपटने वाला, वही सबऑर्डिनेट हैं आपकी बात नहीं सुनने वाले, घर में वही बेटा है जो आज्ञाकारी नहीं है, और वही पत्नी है जिससे किसी बात पर सहमति नहीं होती, वही दुष्ट पति है। 4 दिन हिल स्टेशन पे जाके आप जो कह रहे हैं कि बड़ा सुख मिला, जरा गौर से देखना, वास्तव में सुख मिला कि केवल दुख के साथ डिसोसिएशन हुआ, थोड़ी देर के लिए छुटकारा हुआ? क्या ये शराब पीने से भिन्न है? कोई मंदिर मस्जिद चर्च में जाके बैठा है, कोई तीर्थ स्थानों पे गया यात्रा करने, कहता है बड़ा आनंद आया, वो गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है, आनंद नहीं आया, केवल वो जो तनावपूर्ण स्थिति थी उससे वो दूर भाग आया, एस्केपिस्ट है वो, पलायनवादी। उस दुखद और परेशानी वाली स्थिति को फेस करना लगातार कठिन था, इससे कहीं भी दूर हट जाए वो, चाहे किसी की शादी में बारात में शामिल हो जाए, कि लायंस क्लब रोटरी क्लब का सदस्य बन जाए, कि किटी पार्टी ज्वाइन कर ले कोई महिला,
सब एक मामले में बराबर हैं। ऐसा मत समझना कि वो मंदिर में जाकर साधु का भाषण सुनने वाली महिला और किटी पार्टी में जाने वाली महिला में कोई भेद है, एक धार्मिक है एक अधार्मिक है। मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, दोनों ही चिंतित और परेशान और दुखी हैं और किसी भी भांति घंटा दो घंटा कहीं और बिताना चाहती हैं। घर में ये जो सास है और ननद है और देवरानी है और जिठानी परेशानी पैदा कर रही हैं, किसी प्रकार इनसे छुटकारा हो थोड़ी देर। मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। आप रोटरी क्लब गए कि मस्जिद जाके नमाज पढ़े कि गुरुद्वारे में बैठ के रागियों के कीर्तन सुने। अक्सर वो मंदिर में जाने वाला आदमी टाकीज में जाने वाले आदमी को कहेगा अधार्मिक और पापी, लायंस क्लब में जाने वाले को कहेगा मटेरियलिस्ट भौतिकवादी। हम देखो धार्मिक आदमी हैं, मंदिर जाते हैं। मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, दोनों चिंतित और परेशान आदमी हैं। ये किसी भी प्रकार अपनी परेशानी वाली स्थिति से भागना चाहते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि अभी पूरी तरह भाग जाएं। जो हिम्मतवर हैं वो घर गृहस्थी छोड़ के भाग गए, वो साधु सन्यासी बन गए हैं। वो भी दुखी आ रहे थे, वो इतने महादुखी थे वो कि इस घर में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। वो सदा सदा के लिए छोड़ के चले गए, घर गृहस्थी का उन्होंने त्याग कर दिया, वो जंगल में पहाड़ों में जाकर रहने लगे। हम जिनको साधु महात्मा कहते हैं वे केवल कायर हैं। वो इस चिंताग्रस्त परिस्थिति में उन तनावों को झेलने में असमर्थ थे। वो साधारण हम जिसको संसारी आदमी कह रहे हैं वो फिर भी बेचारा थोड़ा साहसी है। ठीक है, घंटा दो घंटा के लिए कभी टाकीज चला जाता है, कभी मंदिर चला जाता है, कभी क्लब चला जाता है, कभी टीवी ऑन कर लेता है, कभी अखबार पढ़ लेता है, फिर अपनी घर गृहस्थी संभालता है। वो जो साधु महात्मा हैं ये बिल्कुल ही कायर पलायनवादी, ये जिंदगी के संघर्ष का सामना करने में असमर्थ हैं, ये भाग खड़े होते हैं, ये संसार के विरोध में हो जाते हैं, परिवार के विरोध में हो जाते हैं, दुकान और ऑफिस के विरोध में हो जाते हैं, धन संपत्ति के विरोध में हो जाते हैं। वे कहते हैं हमने सब छोड़ दिया, और मजे की बात है सारी दुनिया इनको सम्मान देती है, इनके पैर छूती है, इनको फूल मालाएं पहनाती है कि बड़े महात्मा हैं, बड़े त्यागी हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जीवन की समस्याओं को सुलझाने में ये असमर्थ थे, इनके पास इतना विवेक इतनी बुद्धि नहीं है, ये भाग खड़े हुए। कोई बच्चा स्कूल छोड़ के भाग जाए क्या आप उसको महात्मा कहोगे? एग्जामिनेशन हॉल में जो गया है परीक्षा देने और प्रश्न पत्र देख के जिसको कपकपी छूट जाए और पसीना आने लगे और जो भाग जाए छोड़ के परीक्षा हॉल, उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे निर्बुद्धि, कायर, इसने मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, इसके पास अक्ल नहीं है। ये जिंदगी एक पाठशाला है और परीक्षा हाल भी है। यहां हम रोज कुछ सीखते हैं और रोज हमारा एग्जामिनेशन भी होता है। वे लोग जो इसको छोड़कर भाग गए हैं वे सम्मान योग्य नहीं हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। उन्होंने कोई आनंद नहीं पा लिया है, वे केवल पलायनवादी और कायर हैं, भगोड़े, बुद्धिहीन। अर्जुन देव जी कह रहे हैं उस कीर्तन की बात जो अमूल्य है, हीरे के समान शाश्वत और सनातन है, शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी शुरू नहीं होता, और आनंद गुणी गहीरा,
जिसमें आनंद का गुण बड़ी गहराई से विराजमान है, उसमें गहराई भी है। हम जिसको कहते हैं सुख, उसमें गहराई नहीं होती, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर होता है, गहराई नहीं होती, उत्तेजना होती है, एक प्रकार का एक्साइटमेंट। जिस हिल स्टेशन पे आप कह रहे हैं कि चार दिन के लिए घूमने गए थे और बड़ा मजा आया, क्या कभी आपने उस हिल स्टेशन पे जो स्थायी निवासी हैं उनके चेहरे पे कोई प्रसन्नता की झलक देखी? उनसे कभी आपने पूछा कि क्या आप लोग बहुत सुखी हो? अरे हम तो चार दिन में आके इतने खुश हो गए, आप तो 40 साल से रह रहे हो, निश्चित रूप से बड़े ही खुश हो गए। वो अपना माथा ठोंक लेंगे कि कहाँ के खुशी की बात कर रहे, यहाँ क्या रखा है हिल स्टेशन में, परेशान है हम लोग ठंड की वजह से, साल में 3 महीने बर्फ जमी रहती है, यहाँ जीवन दूभर हो जाता है, आप लोग मजे में रह रहे शहरों में, यहाँ हिल स्टेशन पर ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई रोजगार है, कुछ भी नहीं है, बड़ी गरीबी है, दरिद्रता है, ना वाटर सप्लाई है ठीक, ना बिजली के कनेक्शन है ठीक, बर्फ गिरती है, सड़क बंद हो जाती है, बिजली के तार टूट जाते हैं, 3 महीने हम बिना बिजली के रहते हैं, ना कोई टेलीफोन कनेक्शन बसता, बड़ी मुश्किल है जिंदगी। आप जो कह रहे हो चार दिन हमें बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला, वो बड़ा सुपरफिशियल था। अगर चार दिन की आप वहां 40 दिन रुक जाते, आपको पता लग जाता कोई सुख नहीं है। हमारे परम गुरु ओशो एक बार कश्मीर में ध्यान शिविर लेने गए थे, करीब 50 मित्र उनके साथ थे, मुख्य रूप से सब बंबई के ही लोग थे। कश्मीर में डल झील पर बजरे के ऊपर प्रवचन माला चलती थी, तो उस बजरे का जो मालिक था, जब 1 महीने के बाद ओशो वहाँ से वापस लौट रहे थे, तो उसने पैर पकड़ लिया और कहा कि महाराज बस एक आशीर्वाद दे दो, किसी प्रकार एक बार बंबई के दर्शन कर लूँ। ओशो ने कहा पागल, बंबई में आके क्या करेगा, मेरे साथ ही 50 लोग आए हैं, सब बंबई के ही हैं, वो यहाँ डल झील देखने आए थे, और देख कितने प्रसन्न है वो डल झील में आके। उस बजरे के मालिक ने कहा कि मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ, इतने टूरिस्ट यहाँ आते हैं और प्रसन्न होते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि किस बात की प्रसन्नता, यहाँ डल झील में रखा क्या है, पानी है बस और है क्या, और पहाड़ों में है क्या, चट्टान है, पत्थर है, पानी है झरनों में, इसमें क्या रखा है, एक बार बंबई की वो गगनचुंबी इमारतें मुझे दिखा दो। वो फिल्मों में देखता हूँ वहाँ का ट्रैफिक और लोकल ट्रेन का सीन, दिल तरसता है कि किसी प्रकार एक बार बंबई पहुँच जाऊँ। जो बंबई में रह रहा है वो बंबई से परेशान है, जो डल झील में रह रहा है वो डल झील से परेशान है। हाँ, ये कश्मीर वाला आदमी बंबई जाएगा 4 दिन के लिए, इसको बहुत अच्छा लगेगा। ये अच्छा लगना बिल्कुल सुपरफिशियल है, उथला उथला, इसमें कोई गहराई नहीं है। अगर ज्यादा दिन वहां टिक जाओ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अर्जुन देव जी जिस आनंद की बात कर रहे हैं उसमें एक शर्त लगाते हैं, आनंद गुणी गहीरा, गहराई हो जिसमें, और जो हीरे जैसा हो, अर्थात इटर्नल शाश्वत, जो सदा सदा रहे, आने जाने वाला नहीं कि अभी आया और अभी चला गया। एक दूसरे उदाहरण से कहूं, समझो आप कहो कि फला फला फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, सॉरी, आपसे कहा जाए कि चलिए फिर दोबारा देखते हैं वो फिल्म, जब इतनी अच्छी लगी तो एक बार और देख ली जाए,
शायद आप एक बार और तैयार हो जाओगे। तिवारा फिर आपसे कहें कि चलिए जब इतनी अच्छी फिल्म है तो क्यों ना तीसरी बार देखी जाए, तब आप मना करोगे कि नहीं अब तीसरी बार नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी तीसरी बार, जब अच्छी लगी और देखिए। और अब आपको जबरदस्ती पकड़ के चार दोस्त ले जाएंगे, देखनी पड़ेगी, तुम ही ने तो हमको बताया कि अच्छी फिल्म है, जब हम जा रहे हैं तो चलो तुम भी चलो, तुम ही ने तो हमको बताया कि अच्छी फिल्म है, कैसे नहीं चलोगे। और जोर जबरदस्ती से ले जाएं, आप बड़े बेमन से जाओगे, मुंह लटका के बैठे रहोगे, बीच बीच में आँख भी बंद कर लोगे, सब देखा हुआ है, परिचित है, कुछ नया नहीं। अब दोस्त लोग जबरदस्ती पकड़ लाए चौथी बार, क्या करो। और पांचवीं बार फिर कोई कहे, कोई आतंकवादी आ जाए, वो कहे कि हम शूट कर देंगे अगर फिल्म नहीं देखी तो। जब आपने कहा अच्छी फिल्म है तो देखो, फिर देखो, बार बार देखो, अब तो जिंदगी भर देखनी पड़ेगी, वरना हम गोली मार देंगे। आप कहोगे ठीक है गोली मार दो। इसको मैं कह रहा हूं सुपरफिशियल उथला सुख। ऊपर ऊपर से लगता था सुख है, जरा गहराई में जाओगे तो पाओगे कोई सुख नहीं है। वास्तव में वो सुख नहीं था, वो केवल दुख का विस्मरण था। तो वो पहली बार हो सकता है दुख का विस्मरण, दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि दोबारा में आपको तो सब पता है अब क्या होने वाला है। आप अपने घर के तनाव और दुख और परेशानी को भूल ना पाओगे सेकंड टाइम, तीसरी बार तो आप बिल्कुल ही ना भूल पाओगे, और चौथी बार तो ये फिल्म खुद ही तनाव पैदा करने वाली हो जाएगी। सुन सुन के बोर हो गए, वही डायलॉग कितनी बार सुनोगे। इस फर्क को समझना, किस चीज को मैं उथला कह रहा हूं और किस चीज को गहरा कह रहा हूं। उथले का मतलब ऊपर ऊपर से लगता था कि ये सुखदाई है, जरा उसकी गहराई में गए तो पता चला कि कुछ सुख नहीं है, तो बड़ा कष्टदाई है। जिंदगी के हमारे सारे सुख ऐसे ही हैं। संत जब आनंद की बात करते हैं, वे किसी और चीज की बात करते हैं जो सुख दुख के पार है। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा। अगली पंक्ति में यह बात स्पष्ट हो जाएगी, किस कीर्तन की बात है। अनहद बाणी पूंजी, संतन हाथ राखी कुंजी। अनहद वाणी, एक ऐसी वाणी जिसकी कोई हद नहीं है, अनहद। हद यानी सीमा, लिमिट, और बेहद अनहद यानी लिमिटलेसनेस, असीम, विराट। ये अनहद शब्द दो अर्थ रखता है, एक शब्द है अनाहत, ये उसका अपभ्रंश भी है। आहत शब्द आपने सुना होगा, अखबार में आप पढ़ते हैं कि बस खड्डे में गिरी, चार मरे 25 आहत। आहत यानी चोट। हम जो भी आवाज सुनते हैं दुनिया में, वे सब आहत ध्वनियां हैं। उदाहरण के लिए मैं ताली बजाता हूं, मेरे दोनों हाथ टकराए, आवाज हुई, ये आवाज उत्पन्न हुई और क्षण भर में समाप्त भी हो गई, ये है आहत ध्वनि। एक तबला वादक तबला बजा रहा है, हाथ से वाद्य यंत्र पर चोट पड़ रही है, आवाज उत्पन्न हो रही है। एक सितार वादक सितार के तारों से उंगली टकरा रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। हवा गुजरती है पेड़ों से, टकराती है पत्तों से, दो की टक्कर हो रही है, हवा की और पत्तों की, सरसराहट की आवाज होती। नदी बह रही, कलकल की ध्वनि होती, क्योंकि पानी और नीचे के पत्थर आपस में टकराते हैं। जहां जहां टक्कर है वहां वहां आहत ध्वनि है। मैं बोल रहा हूं, मेरे गले में वोकल कार्ड्स हैं, उनसे हवा टकरा रही है, जीभ तालू से टकरा रहा है, ओंठ ओंठ से टकरा रहे हैं, आवाज पैदा हो रही। दुनिया में जितनी भी आवाजें हैं वे सब आहत
ध्वनियां हैं। संतों ने एक और आवाज को जाना जिसे वे कहते हैं अनाहत नाद, बिना चोट के पैदा हुई आवाज। जापान के झेन फकीर कहते हैं उसे एक हाथ की ताली। अब एक हाथ की ताली कैसे बजेगी? टक्कर के लिए कम से कम दो तो चाहिए। एक से तो कोई आवाज पैदा नहीं हो सकती, फिर ये अनाहत नाद कैसे पैदा होगा बिना चोट की आवाज? वो हमारी अंतरात्मा में गूंज ही रहा है, उसे पैदा करना नहीं होता। अनहद वाणी पूंजी, वो हमारी असली पूंजी है, हमारी असली संपत्ति है। गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वो जो सच्चा नाम है ओंकार स्वरूप, वही अनाहत नाद है, उसी को ओम कहा है। वो जो भीतर की ध्वनि है वो ओंकार से मिलती जुलती है, ठीक ठीक ओम नहीं, उसे हम ओम जैसा भी कह सकते हैं, राम जैसा भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ना तो वो ओम है ना वास्तव में राम है, लेकिन इनसे मिलता जुलता कुछ है। हम अपने कंठ से उसका उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन उसके नियर अबाउट, उसके नजदीक वाले कोई शब्द का उच्चारण तो कर सकते हैं। तो संतों ने कहा ओम, किसी ने कहा राम, किसी ने कहा श्याम, मुसलमान कहते हैं अमीन, यहूदी कहते हैं ओमीन, ईसाई भी ओमीन और अमीन का उपयोग करते हैं। ये सभी शब्द भीतर के उस अनाहत नाद के प्रतीक हैं। ठीक ठीक सही तो नहीं है, किंतु फिर भी इशारा है, संकेत छिपा है इसमें। जैसे मैं आपसे पूछूं कि रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती है, तो कोई व्यक्ति कहेगा छक 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 छक, चलो ठीक ही कह रहा है। कोई दूसरा कहता है नहीं छक छक नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि भक 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 भक, ये भी ठीक कह रहा है। ना तो रेलगाड़ी की आवाज एग्जैक्टली छक छक है ना भक भक है, लेकिन इससे मिलती जुलती कुछ तो है, कुछ तो इशारा हुआ। अब रेलगाड़ी की आवाज मैं गले से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन कुछ मिलती जुलती ध्वनि तो पैदा कर सकता हूं। बस ऐसे ही समझना, भीतर जो अनहद पूंजी है हमारे, एक ओंकार सतनाम, वो जो ओंकार गूंज रहा है वह हमारी असली पूंजी है। असली पूंजी और नकली पूंजी में भेद समझना। नकली पूंजी जिसे हम कहते हैं धन संपत्ति, वो हम जन्म के संग लेकर नहीं आए थे, वो हमने यहीं दुनिया में आके बटोरी, हमने यहीं से अर्जित की, प्राप्त की, छीना छपटी के द्वारा, शोषण के द्वारा। हम पैदाइशी लेकर नहीं आए थे कुछ भी, जो कुछ भी हमने पाया है यही दुनिया से पाया है, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे यहां से हम कुछ भी ना ले जा सकेंगे, वो सब यहीं रह जाएगा। ये हमारी असली संपत्ति नहीं है। ठीक है उपयोगी है, काम चलाऊ है, लेकिन ये हमारी नहीं है, ये हमारी हो नहीं सकती। ये पहले भी हमारी नहीं थी, बाद में भी हमारी नहीं होगी। बीच में हम भ्रम में पड़ गए, मैं कहने लगा कि मेरा मकान, मेरी जमीन। मकान को पता ही नहीं है कि वो मेरा है, जमीन बेचारी को पता ही नहीं कि वो मेरी है। मैं ही भर सोचता हूं कि मेरी जमीन, मेरे पहले करोड़ों करोड़ों लोग हो चुके, वो भी यही सोचते रहे कि उनकी जमीन। आज मैं सोच रहा हूं मेरी जमीन, कल को मैं इसी जमीन में मिल जाऊंगा, मिट्टी में। जमीन भी हंसती होगी, कैसे बेवकूफ लोग हैं ये,
ये मनुष्य अपने आप को कहते हैं विचारशील प्राणी, इनको इतनी भी अकल नहीं। जब हम नहीं थे तब जमीन थी, पिछले 4 अरब साल से जमीन है। वैज्ञानिक हिसाब लगाए हैं कि सूरज से टूट के पृथ्वी लगभग 4 अरब साल पहले अलग हुई। हम यहां अचानक अभी अभी थोड़े समय पहले आए और कुछ सालों के बाद अचानक विदा हो जाएंगे। अरबों खरबों साल तक ये पृथ्वी यहां रहेगी। पृथ्वी भी खूब हंसती होगी कि वाह रे विचारशील प्राणी, तुम कह रहे मेरी जमीन। हम जमीन के जरूर हैं, इसी मिट्टी से बने हैं, इसी से पैदा हुए, वापस फिर इसी में समा जाएंगे। जमीन कहे कि मेरा मनुष्य तब तो ठीक है, हम कह रहे हैं मेरी जमीन। कुछ भी हमारा नहीं, ना हो सकता। फिर हमारी असली पूंजी क्या है? असली पूंजी तो वही है जो हमसे छीनी ना जा सके। ये बाहर की धन संपत्ति तो चोर डाकू छीन सकते हैं, आजकल डाकुओं का जमाना नहीं रहा, अब दूसरे प्रकार के डाकू हो गए हैं, उनको हम कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स, वो नए प्रकार के डाकू हैं। बाहर हमने जो भी इकट्ठा किया है हमने दूसरों से छीना है, कोई हमसे छीन सकता है, और कोई छीने कि ना छीने अंत में मौत तो छीन ही लेगी। एक बात पक्की है, ये वास्तव में हमारी नहीं है। फिर हमारा क्या है? संत कहते हैं अनहद वाणी पूंजी। वह जो अनहद वाणी है, ओंकार की ध्वनि हमारे भीतर गूंज रही है, वह हमारी असली संपत्ति है। मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। उस अमूल्य धन को पा लिया, राम रतन धन को। राम और ओम को पर्यायवाची समझना। आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ मीरा का ये वचन सुन के? जिंदगी भर तो मीरा कृष्ण की भक्ति करती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन जब संत रैदास से मिलना हुआ तब सारी कहानी बदल गई। उसके बाद मीरा राम के गुणगान करने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहती हैं मनवा राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठनित हरि चर्चा सुन लीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। ये मीराबाई को क्या हो गया? पहले तो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, अब जब तक गुरुदेव संत रैदास से मिलना नहीं हुआ था तब तक कृष्ण की भक्ति थी, गौड़ी भक्ति। जिस दिन संत रैदास ने अनहद वाणी का ज्ञान दिया, असली राम नाम सुनवाया, ओम में डुबाया, उस दिन से बात बदल गई। मनवा राम नाम रस पीजे, मैंने राम रतन धन पायो, असली धन को पा लिया। अब मीरा तो महारानी थी, उसको असली धन नहीं कहा उन्होंने राजमहल को, उसको तो छोड़ के आ गई। असली धन रैदास के चरणों में बैठ के पाया। अर्जुन देव भी कहते हैं अनहद वाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी। इस अनहद वाणी पूंजी की जो कुंजी है, चाबी है इस खजाने की, वो संतों के हाथ में है। संतन हथ राखी कुंजी, शिष्य को गुरु देता है उसकी चाबी। माना कि ये खजाना तुम्हारा है लेकिन तुम्हें खुद पता नहीं, ये हीरा तुम्हारे भीतर है लेकिन इस हीरे के ऊपर मिट्टी की परत जम गई और तुमको खुद भी नहीं पता कि हीरा तुम्हारे भीतर है। कोई सदगुरु ही तुम्हें विधि समझा सकता है कैसे उस मिट्टी की परत को अलग करो।
महानगरों में ऐसा होता ना, बड़ी बड़ी कॉलोनी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एक चौकीदार होता है उस पूरी कॉलोनी का। जब कोई आदमी घर बंद करके जाता है तो चाबी दरवान को देता जाता है। आप होटल में जाते हैं, अपने कमरे में रहते हैं, चाबी वहाँ रिसेप्शन पे जमा कर जाते हैं, फिर जब आप लौट के आएंगे तो वहाँ से चाबी प्राप्त करेंगे। माना वो कमरा आपका है, वो फ्लैट आपका है, लेकिन आपके फ्लैट की चाबी दरवान के पास है। आप अपने फ्लैट में सीधा प्रवेश नहीं कर सकते। करीब करीब ऐसी स्थिति हमारी है। वो अनहदवाणी का हीरा हमारे भीतर मौजूद है, किंतु उस हीरे पर मिट्टी की परतें जम गई हैं और हमको खुद ही उसकी पहचान नहीं। उस खजाने की चाबी कोई संत ही बताता है, शिष्य को ही बता पाता है। जो सीखने को तैयार है, शिष्य का मतलब होता है सीखने में। पंजाब में हम नानक से चली परंपरा के लोगों को सिख कहते ना, सिख का वास्तविक अर्थ है जो सीखने को तैयार है, जो शिष्य होने को राजी है। जिसको चाबी देंगे तो वो ग्रहण करेगा और जाके अपना खजाना खोलेगा। माना ये खजाना तुम्हारा है लेकिन तुम्हारे पास चाबी नहीं है। संपत्ति तुम्हारी है, चाबी तुम्हारे पास नहीं। या ऐसा समझो बैंक में लाकर होता ना, उसकी दो चाबियां रहती हैं, एक चाबी लाकर होल्डर के पास और एक बैंक वालों के पास। दोनों की चाबी जब इकट्ठी लगेगी तब लाकर खुलेगा। तुम अकेले अपनी चाबी से नहीं खोल सकते और ना ही अकेला वो बैंक वाला खोल सकता। दोनों मिलके खोलेंगे तब लाकर खुलेगा। कुछ कुछ ऐसा ही मामला गुरु शिष्य का है। कुछ सीक्रेट चाबी गुरु के पास है और कुछ कुछ शिष्य के पास है, लेकिन ना तो अकेला शिष्य सफल हो सकता और ना अकेला गुरु सफल हो सकता। सहयोग चाहिए, कोऑपरेशन। दोनों अपनी चाबी मिलाएंगे तब जाके बात बनेगी। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध अध्यात्म के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया। याद रखना, फिर से दोहरा दूं, गुरु भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर शिष्य राजी नहीं है, तुम अपनी चाबी लिए बगैर पहुंच गए बैंक और कहो कि हमारा लाकर खोल दो, तो बैंक वाले भी नहीं खोल सकते, ये उनके वश में भी नहीं है। ठीक ऐसे ही गुरु के वश में भी नहीं है। कई लोग आके कहते हैं मुझसे कि हम माला दीक्षा ना लें, हम शिष्यत्व ग्रहण ना करें, तो क्या आप हम पे कृपा नहीं करेंगे? भाई मैं तो कर दूंगा, मगर तुम रिसीव ही नहीं करोगे। दीक्षा लेने का इतना ही तो अर्थ है कि तुम तैयार हो, तुम राजी हो। अब मैं जो कहूंगा कि लगाओ चाबी और घुमाओ ऐसा, तो तुम घुमाओगे। शिष्य होने का तो यही अर्थ है ना, कि अब गुरु की आज्ञा मानोगे। जब तुम कह रहे हो कि हम दीक्षा तो नहीं लेना चाहते, क्या आप सबके ऊपर एक सी कृपा नहीं कर सकते, अपने अपने शिष्यों पे करेंगे? ये वैसे ही विचित्र सवाल है कि हम अपनी चाबी तो नहीं लाए, आपका क्या बिगड़ता है, हमारा लाकर भी खोल दो। अरे सबका खोल रहे हो, हमारा भी खोल दो। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु शिष्य संबंध अध्यात्म के जगत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध है। गुरु शिष्य का अर्थ है एक व्यक्ति ऐसा है जिसको पता है उस अनहदवाणी की पूंजी के बारे में, उसका रास्ता क्या है, उस हीरे पर कौन सी मिट्टी की परत जम गई है, कैसे छेनी हथौड़ी चला के उस मिट्टी की परत को अलग करना, उसको ये पता है। और दूसरा व्यक्ति शिष्य, शिष्य का अर्थ ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं समर्पित हूँ, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आप मेरे ऊपर छेनी हथौड़ा चलाओगे, मैं प्रतिरोध नहीं करूँगा, मुझे पता है आप मेरे भलाई के लिए कुछ कर रहे हो। जैसे सर्जन की टेबल पे
मरीज लेट जाता ना, एक श्रद्धा के साथ कि सर्जन जो भी करेगा मेरी भलाई के लिए ही, माना कि चीर फाड़ करेगा, खून निकलेगा, दर्द भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेरी भलाई के लिए, इस भरोसे के साथ। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में, एक बहुत अद्भुत कैरेक्टर है, ओशो के प्रवचनों में आपने उसका जिक्र सुना होगा। उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, अस्पताल गया, जांच पड़ताल हुई, जब ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जा रहे थे और बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाले, तो उसने कहा एक मिनट रुकिए डॉक्टर साहब। उठ के बैठा, उसने अपनी जेब में से नोटों का बंडल निकाला और नोट गिनने लगा। और डॉक्टर ने कहा अभी फीस देने की ज़रूरत नहीं, बाद में अस्पताल का बिल पेमेंट कर देना। नसरुद्दीन कहा कि कोई आपको फीस देने के लिए पैसे थोड़ी गिन रहा हूँ, अरे मैं अपनी गिनती कर रहा हूँ कि जेब में कितने पैसे हैं, अभी आप बेहोश कर दो भगवान जाने क्या करो, गिनती तो कर लूँ कितने पैसे पास में हैं, फिर होश में आके चेक कर लूँगा पूरे सही सलामत हैं कि नहीं। क्या आप सोचते हो वो सर्जन इस मरीज का इलाज करेगा जिसको इतना भी भरोसा नहीं है? वो डॉक्टर कहेगा क्षमा करो, आप किसको यहां से कहीं और जाओ। शिष्य का अर्थ है वो कह रहा है कि अब तुम मेरे ऊपर कांट छांट करोगे, छेनी हथौड़ा चलाओगे, मैं उसके लिए राजी हूं, मुझे भरोसा आ गया है आप मेरी भलाई के लिए ही कुछ करोगे, चाहे मुझे बुरा लगे तो भी मुझे भरोसा है कि वह भी मेरे हित में होगा। ऐसी श्रद्धा की स्थिति में ही वह भीतर का लॉकर खुलता है। अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी। तो प्यारे मित्रों, ये छोटे से दो पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब की, अर्जुन देव जी की, सारा सीक्रेट और रहस्य इन दो पंक्तियों में समाया हुआ है अध्यात्म का। आपको मैं निमंत्रित करता हूं, जिसके भीतर श्रद्धा और भरोसा उमकती हो, जिसके भीतर समर्पण का भाव जागता हो, दीक्षा लेने की प्रेरणा उत्पन्न होती हो, उनको आमंत्रण देता हूँ और चुनौती भी देता हूँ, आओ तुम्हारे भीतर की संपत्ति से तुमको परिचित करा दूँ। वो हीरा तुम्हारे भीतर छुपा है, तुम्हें पता नहीं, तुम भूल गए। वो आनंद का गुण बड़ी गहराई में है, आनंद गुणी गहीरा, वो ऊपर ऊपर नहीं है, ऊपर ऊपर से तो समझ में नहीं आएगा, गहराई में जाओगे तब पकड़ आएगा। एक छोटी सी घटना सुना के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर आपके प्रश्न लूंगा। लगभग 50 साल पहले की घटना है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सड़क चौड़ी की जा रही थी, हाईवे बनाया जा रहा था, तो बहुत से मकानों को तोड़ना पड़ा, हटाना पड़ा, चौड़ी सड़क बन रही थी। एक मंदिर भी था, भगवान बुद्ध का मंदिर, उसका भी वहाँ से हटाना जरूरी हो गया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, तो सोचा गया कि इस मूर्ति को दूसरी जगह स्थापित करें और फिर वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाए। तो मूर्ति बहुत भारी थी, वजनदार थी, क्रेन से उस मूर्ति को उठा के दूसरी जगह ले जाए गए जहाँ नए मंदिर के निर्माण का प्रावधान था। संयोग की बात, रात को वर्षा हुई, पानी गिरा, सुबह जब पुजारियों ने आके देखा मूर्ति को, तो उस मूर्ति के एक दरार पड़ गई थी पानी गिरने से, उस दरार में से कुछ चमकती हुई चीज नजर आ रही थी, शायद क्रेन से उठाने में वो दरार पड़ गई थी, उसमें से पानी भीतर घुस गया, कुछ मिट्टी बह गई, मिट्टी की मूर्ति थी वो, बड़ी पुरानी मूर्ति थी, भीतर कुछ चमकदार नजर आया, तो पुजारियों ने सोचा यह क्या,
तब उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी और खरोंच के देखी, वे तो हैरान हुए, भीतर सोने की प्रतिमा थी, ऊपर 2 इंच मोटी मिट्टी की परत थी और भीतर स्वर्णिम बुद्ध की प्रतिमा छिपी थी। फिर तो पूरी मूर्ति साफ की गई, तब पता चला कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सबसे वजनदार बुद्ध की सोने की मूर्ति है, लेकिन सैकड़ों सैकड़ों सालों से उसे मिट्टी की मूरत समझा जा रहा था। इतिहासविद अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि थाईलैंड पर बैंकॉक पर कभी कोई दुश्मनों ने आक्रमण किया होगा, तो इस मंदिर के पुजारियों ने इस मूर्ति की रक्षा करने के लिए इसके ऊपर मिट्टी थोप दी, तो ऊपर से ऐसा लगने लगा कि वो मिट्टी की मूरत है, धोखा देने के लिए, ताकि हमलावर इसको लूट के ना ले जाएं। ऐसा अनुमान है कि शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। अब बाद में क्या हुआ, या तो वो पुजारी मारे गए या क्या हुआ, कालांतर में लोग भूल ही गए पीढ़ी दर पीढ़ी कि ये सोने की मूर्ति थी कभी, सभी लोग उसको मिट्टी की मूरत ही समझते रहे। संयोग वसात पता चला उस स्वर्णिम प्रतिमा का। प्यारे मित्रों, आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे भीतर भी वह गोल्डन स्टैचू, वह बुद्ध की प्रतिमा, वह कीर्तन निर्मोलक हीरा, वो अनहद वाणी पूंजी छिपी है, किंतु हमको खुद को नहीं पता, हम कैसे भूल गए, कब भूल गए पता नहीं। जन्मों जन्मों की इस यात्रा में उस पर इतनी धूल और मिट्टी और कचरा कूड़ा जम गया, हमें ख्याल भी नहीं आता कि यहां पर कोई हीरा छिपा है, इस कचरे के ढेर में हीरा, हमें खुद भरोसा नहीं आता। जब आपसे कोई कहता है कि आपके भीतर परमात्मा मौजूद है, एकदम शक पैदा होता है, आदमी पागल है क्या, ये कैसी बात कर रहा है, मेरे भीतर और ईश्वर विराजमान है, कभी नहीं कभी नहीं। हाँ, कोई आपकी निंदा करे, आलोचना कहे, कहे कि तुम शैतान हो, उसकी बात एकदम ठीक लगती है, क्योंकि हमको भी पता है कि ये सारी चीजें हमारे भीतर हैं, शैतानियत। कोई आपसे कहे कि आप ठीक ठीक इंसान नहीं हो, बड़े पार्श्विक गुण आपके भीतर हैं, दुर्गुणों की खान हो, आप बड़े श्रद्धापूर्वक उसकी बात सुनोगे, आप उससे राजी हो, आप भी जानते हो कि वो ठीक ही कह रहा है। लेकिन जब कोई कहता है आपके भीतर परमात्मा विराजमान है, आपको एकदम शक पैदा होता है, ये कैसी बात कर रहे, होश हवास में हो, मेरे भीतर और परमात्मा। मैं जानता हूं मेरी बात सुनकर आप चौंकेंगे, जब मैं कहता हूं आपके भीतर वो हीरा मौजूद है, आपके भीतर सच्चिदानंद आनंद गुणी गहीरा मौजूद है, आपके भीतर शक पैदा होगा, कहां की बातें कर रहे हैं, हमारे जैसे दुखियारे चिंतित परेशान लोग, डिप्रेशन से पीड़ित, कई बार सुसाइड करने की सोच चुके, क्रोध की ज्वाला हमारे भीतर भड़कती है, घृणा नफरत और जलसी से हम पीड़ित हैं, जरा जरा सी चीज में ईर्ष्या और अहंकार पकड़ लेता है, और आप हमसे कह रहे हो कि आनंद की पूंजी हमारे भीतर, कहां की बातें कर रहे। मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं आएगा, मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि आपकी जगह मैं होता, एक दिन मैं भी आपकी जगह था, मुझे भी भरोसा नहीं आता था। जब सदगुरु ओशो के मुख से मैं सुनता था उपनिषद का सूत्र, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूं और तुम भी वही हो, आश्चर्य होता था, कैसी बात कह रहे, यहां तक भी ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि ठीक है, आप भगवान हो गए, ये तत्वमसि तुम भी वही हो, मैं कैसे मानूं कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं।
मुझे भली भांति पता है मेरे भीतर क्या है। प्यारे मित्रों, मैं भी आपकी जगह था, इसलिए मैं आपकी स्थिति को खूब अच्छे से समझता हूं। मेरे गुरु की बात सुन के मुझे भी भरोसा नहीं आता था, मेरी बात सुन के आपको भी भरोसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर हिम्मत हो, साहस हो, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपके भीतर वह सच्चिदानंद गहराई में विराजमान है, आनंद गुणी गहीरा। हाँ, ऊपर ऊपर तो नहीं है वो, ऊपर ऊपर तो ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे सांप बिच्छू मौजूद हैं। आप इन्हीं इन्हीं को मत देखते रहना, इनके भीतर कुछ और छुपा है। आप उस मिट्टी की परत को ही सब कुछ मत मान लेना। भीतर सोने की प्रतिमा मौजूद है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी छेनी हथौड़ी चला के उस मिट्टी की परत को अलग करना है, कुछ खास नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत। सारी ध्यान की प्रक्रियाएं बस वही छेनी हथौड़ा है। धीरे 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 वो परत साफ होने लगती है, एक आंतरिक स्नान हो जाता है। वो थाईलैंड में तो संयोग वसात बादल आ गए थे और वर्षा हो गई थी, लेकिन हमें अपने भीतर इस संयोग को पैदा करना होगा। हमारे भीतर भी ध्यान के बादल उमड़ घुमड़ आए और वर्षा हो जाए सजगता की, हमारी भी मिट्टी की परत धुल जाए और एक बार जरा सी चमक भी आपको दिख गई, तब बात बननी शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत में मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप मेरी बात पर श्रद्धा करो, करना भी नहीं चाहिए, संदेह स्वाभाविक है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति संदेह करेगा, करना ही चाहिए, लेकिन कम से कम इतना करो, एक हाइपोथेटिकल ट्रस्ट, एक परिकल्पना। आपने वैज्ञानिकों का पढ़ा होगा ना, कोई प्रयोग करने चलते हैं, कोई खोजबीन करते हैं, तो पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि हाइपोथेसिस सही है, तब फिर वो हाइपोथेसिस सिद्धांत कहलाने लगती है, नियम बन जाती है। और अगर प्रयोग से सिद्ध हुआ कि वो बात गलत थी, तो फिर वो बात खत्म हो गई, वो बात सही नहीं निकली, फिर कुछ और प्रयोग करना होगा। तो मैं आपसे केवल इतनी ही उम्मीद करता हूं कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख के, एक हाइपोथेटिकल ट्रस्ट, एक परिकल्पनात्मक भरोसा करके चलो। जब अर्जुन देव कह रहे हैं अनहद वाणी पूंजी आनंद गहन गंभीरा, जब गुरु नानक कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम, और दुनिया के सारे संत अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग उपमाओं में यही संदेश दे रहे हैं, तो चलो एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं हर्ज क्या है। मान लो मेरी बात झूठी है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है कबीर साहब गलत हो सकता है मीराबाई गलत हो सकता है ओशो गलत हो, तो आपका बिगड़ क्या जाएगा? जो मिट्टी की परत जमी है, अगर आप सोचते हो बस यही सच है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह के सांप बिच्छू हैं यही सच हैं, तो ठीक है, वो तो है ही है। आप सोचते हो ये परेशानी और चिंता और तनाव बस यही एकमात्र सत्य है, तो ठीक है, वो सो तो है ही, बाद में भी रहा आएगा, गलत सिद्ध हो जाएंगे वे लोग जो कहते थे कि भीतर सच्चिदानंद है। लेकिन प्रयोग करने में भड़ क्या जाएगा? मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, गया तो कुछ भी नहीं गया। जैसे काम क्रोध लोभ मोह के नरक में जी रहे थे, सो जीते रहना, बिगड़ा क्या? अगर इतना साहस हो तो आपका आवाहन करता हूं, प्रयोग करने जैसा है। मैंने प्रयोग किया और पाया
कि हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि संत जो कह गए हैं, सारे गुरु साहिबान जो कह गए हैं, वह बात सच है। उपनिषद के ऋषियों ने जो कहा है, कि ईसा मसीह ने जो कहा है, कि गीता में कृष्ण ने जो कहा है, वह बात सच है। इसलिए नहीं कि गीता में लिखी है कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि हाँ सच है। और एक दिन अगर आप प्रयोग करने को राजी हो, इसी अथॉरिटी के साथ आप कह सकोगे कि हाँ सच है। कोई पूछेगा प्रमाण क्या है, आप कहोगे मैं खुद प्रमाण हूं। उपनिषद के ऋषियों ने सही कहा है कि नहीं कहा, मैं प्रमाण हूं, सच कहा है। एक दिन आप भी ऐसा कह सकोगे। थोड़ी सी छेनी हथौड़ी चलाना है, उसी का नाम साधना है, और थोड़ी सी ज्यादा नहीं, क्योंकि मिट्टी की परत की ताकत कितनी, उसे उखाड़ने में कितनी देर लगेगी। मिट्टी आखिर मिट्टी ही तो है, जरा सी सफाई, एक आंतरिक स्नान, बस और क्या, उसी स्नान का नाम है ध्यान। तो मैं अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं।